सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मोहित रैना सर का ड्राइंग करेंगे, जिन्होंने महादेव जी का कैरेक्टर निभाया था देवो के देव महादेव सीरियल में। तो आज की इस वीडियो में उनका ड्राइंग करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा, क्योंकि वीडियो को बनाने में काफ़ी टाइम लगा है। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा। और इस वीडियो में जो ड्राइंग में हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करने वाले हैं वो कुछ ये हैं, ये आर्ट लाइन के पेंसिल और ये मोनो जीरो इरेजर, जो कि हाइलाइटिंग में इसका कोई तोड़ नहीं, कोई जवाब नहीं है। तो मैं इसका यूज़ करूँगा और आप लोग देखिएगा और सीखिएगा। मैं बीच बीच में बोलता रहूँगा और बताता रहूँगा कि आपको कैसे क्या करना है। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। तो जब कभी भी आप शेड दीजिए तो सबसे पहले लाइट पोर्शन टू करिए, फिर उसके बाद उसमें धीमे धीमे डार्कनेस दीजिए। तो मैंने तो इसमें सबसे पहले लाइट पोर्शन को दिया है और फिर उसके बाद डार्कनेस दिए, और किसी किसी जगह पर मैंने डायरेक्ट डार्कनेस दे दी और बाद में लाइट पोर्शन के लिए मैंने उतनी जगह छोड़कर उस जगह पर ब्रश से ब्लेंड कर दिया है। तो आप लोग भी देख के ऐसा करिए या तो फिर अपनी कोई ट्रिक से यूज़ करिए। देखिए, वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, आप लोग अपनी ट्रिक अपनी स्किल को मजबूत करिए और धीमे धीमे करके ड्राइंग करिए, तभी आपका ड्राइंग इम्प्रूव होगा। मेरा भी ऐसे ही हुआ है यार, मेरा हुआ है, इसलिए मैं आप सबको बता रहा हूँ, तो बात को समझिएगा। और जब भी आप तो किसी भी शेड को दीजिए, किसी भी ड्राइंग में, तो उसमें ध्यान रखिए कि उसमें धीमे धीमे करके उसमें लाइट एंड डार्क पोर्शंस को दें और हल्की हल्की जगह एक ही जगह देख देख कर उसमें उस ड्राइंग को रियलिस्टिक बनाने का ट्राई करें। क्योंकि जब ड्राइंग में धीमे धीमे जितना पेशेंस दे के आप काम करेंगे, ड्राइंग उतना ही ज़्यादा उभर के आएगा और रियलिस्टिक लगेगा। मेरा भी ड्राइंग पहले आप देख सकते हैं, आप जा पिछली वाली वीडियो देख सकते हैं जाकर वहाँ पर, तो कैसा था मेरा ड्राइंग और अब कैसा है। तो आप लोग भी पेशेंस के साथ काम करिए। आप लोग देखिए मैं हेयर्स को किस तरह से ड्रॉ करूँगा। तो हेयर्स के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हेयर्स में ज़्यादा डिटेलिंग होती है। और मुझे सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुई है हेयर्स और स्नेक को ड्रॉ करने में, क्योंकि स्नेक की बॉडी पर काफ़ी सारे टेक्सचर्स होते हैं, तो स्नेक को ड्रॉ करने में मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई है, बट मज़ा भी सबसे ज़्यादा उसी में आया है। तो आप लोग भी एक बार इस ड्राइंग को ट्राई करिएगा। मैं इस ड्राइंग का रेफरेंस फ़ोटो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में दे दूँगा, तो आप लोग वहाँ से पिक्चर निकाल सकते हैं और आप लोग ड्राइंग कर सकते हैं। तो अब मैं आप लोग को डिस्टर्ब नहीं करूँगा, आप लोग पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए।
होप आप सबको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर कर दीजिएगा ताकि हमारी वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मैं किसी वीडियो में शेयर करने के लिए नहीं कहता, लेकिन इस वीडियो में बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ये वीडियो में और ज़्यादा व्यूज़ आएँ और ज़्यादा सपोर्ट मिले इस वीडियो पर और सभी लोग महादेव जी के दर्शन करें। सावन चल रहा है, श्रावण मास का मंडे है आज, तो सब लोग महादेव जी के दर्शन करें बस। और जहाँ भी हैं सब सुरक्षित रहें। गॉड ब्लेस यू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।